हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में कुछ नंबर दे रखे, आपसे कहा है आप क्यूब रूट बताइए, घनमूल बताइए, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले बेटा इन नंबर के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या दे रखा है? 1, 3, 8, 2, 4। सबसे पहले बेटा 2 से डिवाइड कीजिए, 6, 9, 1, 2। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 3, 4, 5, 6। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 1, 7, 2, 8। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 8, 6, 4। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 4, 3, 2। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2, 1, 6। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 1, 0, 8। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 54। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 27। अब बच्चों ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब बेटा 3 से डिवाइड कीजिए, 9। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 1। अब बच्चों ये जो फैक्टर आए हैं आपको इनकी ग्रुपिंग करना होगी, तीन तीन के ग्रुप बनाने होंगे। देखिए किस तरह से, ये तीन का ग्रुप, ये तीन का, ये तीन का ग्रुप और ये तीन का ग्रुप। अब इन्हें लिख लेते हैं, 1, 3, 8, 2, 4। आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3, इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3, इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3, और इसे लिख सकते हो बेटा 3 की पावर 3। ठीक है, ये 1, 3, 8, 2, 4 सभी पे 3 पावर है, एक साथ लगा 2 into 2 into 2 into 3, ये लिखा, ये 1, 3, 8, 2, 4। आप इनका मल्टीप्लाई करोगे 24 की पावर 3। ठीक है, अब इसे दोबारा लिख लेते हैं, 1, 3, 8, 2, 4, ये बेटा 24 की पावर 3। अब बच्चों हमें क्यूब रूट निकालना है इस नंबर का। तो बेटा जब एक तरफ से पावर हटाई जाती है तो वही पावर दूसरी तरफ जाके 1 अपॉन हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। अब बच्चों इस पावर का मतलब क्या, 1 अपॉन 3 पावर को बेटा आप ऐसा भी लिख सकते हो इस तरह से। ये क्या बताता है, इस नंबर का क्यूब रूट 24 है। अब बच्चों इस नंबर के फैक्टर निकालते हैं, 1, 1, 0, 5, 9, 2। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 5, 5, 2, 9, 6। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2, 7, 6, 4, 8। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 1, 3, 8, 2, 4। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 6, 9, 1, 2। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 3, 4, 5, 6। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 1, 7, 2, 8। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 8, 6, 4। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 4, 3, 2। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2, 1, 6। 2 से डिवाइड कीजिए, 1, 0, 8। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 54। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 27। अब बेटा 3 से डिवाइड कीजिए, 9। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3। फिर 3 से डिवाइड किया, 1। अब बच्चों ये जो फैक्टर आए हैं हमें इनकी ग्रुपिंग करनी होती है, तीन तीन का ग्रुप बनाना होता है। देखिए ये तीन का ग्रुप, ये तीन का, ये तीन का, ये तीन का और ये तीन का। अब लिख लेते हैं, 1, 1, 0, 5, 9, 2। बेटा इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3, इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3, और इसे लिखा 2 की पावर 3, और लास्ट बेटा इसे लिख सकते हो 3 की पावर 3। ये 1, 1, 0, 5, 9, 2। अब बच्चों सब पे 3 पावर है, एक साथ में 2 into 2 into 2 into 2 into 3। देखिए 2 into 2 into 2 into 2 into 3, ये 1, 1, 0, 5, 9, 2। मल्टीप्लाई करोगे 48,
की पावर 3। इसे दोबारा लिख लेते हैं 110592, ये 48 की पावर 3। अब बच्चों जब एक तरफ से पावर हटाई जाती है तो दूसरी तरफ वही पावर 1 अपॉन हो जाती है, ठीक है। अब इस पावर को बेटा आप ऐसा भी लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये क्या बताता है, ये नंबर का क्यूब रूट बेटा 48 है। अब बच्चों इस नंबर के फैक्टर बनाएंगे 4, 6, 6, 5, 6। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 2, 3, 3, 2, 8। अब बेटा फिर 2 से डिवाइड करोगे 1, 1, 6, 6, 4। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 5, 8, 3, 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, 9, 1, 6। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 1, 4, 5, 8। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 7, 2, 9। अब बच्चों ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब 3 से कर देते हैं 3, 4, 3। फिर 3 से कीजिए 8, 1। फिर 3 से कीजिए 27। फिर 3 से कीजिए 9। फिर 3 से कीजिए 3। फिर 3 से कीजिए 1। अब बेटा ये जो फैक्टर आए हैं हमें इनकी ग्रुपिंग करना होता है, 3 3 के ग्रुप बनाने। देखिए ये 3 का ग्रुप, ये 3 का, ये 3 का और ये 3 का। अब इसे लिख लेते हैं 4, 6, 6, 5, 6। आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3। इसे लिख लो 2 की पावर 3। इसे लिखिए 3 की पावर 3 और ये बेटा 3 की पावर 3। ये 4, 6, 6, 5, 6। सभी पे 3 पावर है बच्चों, एक साथ लगाएं 2 into 2, 3 into 3, ठीक है। इसे लिख लिया 4, 6, 6, 5, 6। मल्टीप्लाई कीजिए ये 4 और ये 9, 4 into 9, 36 और ये पावर 3। अब बच्चों इसे दोबारा लिख लेते हैं 4, 6, 6, 5, 6, 36 की पावर 3। जब बच्चों एक तरफ से पावर हटाई जाती है तो दूसरी तरफ वही पावर 1 अपॉन हो जाती है, ठीक है। अब इस पावर का मतलब क्या होता है, इसे आप बेटा ऐसा भी लिख सकते हैं। ये क्या बताता है, ये जो नंबर है इसका क्यूब रूट 36 है। अब बेटा इस नंबर के फैक्टर निकालेंगे 1, 7, 5, 6, 1, 6। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 8, 7, 8, 0, 8। अब बच्चों फिर 2 से डिवाइड कीजिए 4, 3, 9, 0, 4। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 2, 1, 9, 5, 2। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 1, 0, 9, 7, 6। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 5, 4, 8, 8। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 2, 7, 4, 4। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 1, 3, 7, 2। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 6, 8, 6। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 3, 4, 3। अब बेटा ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये नंबर बेटा 7 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड करोगे 49। फिर 7 से करोगे 7। फिर 7 से करेंगे 1। ये जो बेटा फैक्टर आए आपको इनकी ग्रुपिंग करना होती है, 3 3 के बेटा ग्रुप बनाएंगे। ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप और ये 3 का। लिख लेते हैं 1, 7, 5, 6, 1, 6। आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3। ये बेटा 2 की पावर 3, ये बच्चों 2 की पावर 3 और ये बेटा 7 की पावर 3। ये 1, 7, 5, 6, 1, 6। सब पे 3 पावर ही एक साथ लगा के ये 2 into 2 into 2 into 7, ये 1, 7, 5, 6, 1, 6। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 56। अब बच्चों इसे दोबारा लिख देते हैं 1, 7, 5, 6, 1, 6 इक्वल टू 56 की पावर 3। जब एक तरफ से पावर हटाई जाती है तो दूसरी तरफ वही पावर बच्चों 1 अपॉन हो जाती है। अब इस पावर को बेटा आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों पावर का मतलब एक ही बात है।
ये बताता है इस नंबर का क्यूब रूट 56 है। अब बच्चों इस नंबर के फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले बेटा 3 बार डिवाइड हो रहा, ये 3 डिवाइड नहीं हो रहा उसकी 0, फिर 3 बार गया, अब बेटा 7 बार और फिर 5 बार। इसे 3 से डिवाइड करो, 101 25, फिर 3 से डिवाइड करो, 3375, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 1125, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 375, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 125। अब बच्चों ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब 5 से कीजिए, 5 से करोगे 25, फिर 5 से करोगे 5, फिर 5 से करोगे 1। ये जो फैक्टर आए हैं बच्चों आपको इसकी ग्रुपिंग करनी होती है, तीन तीन के ग्रुप बनाएंगे ये ऐसे। अब इसे लिख लो 91125, आप इसे लिख सकते हो 3 की पावर 3, इसे लिख सकते हो 3 की पावर 3, इसे लिख सकते हो 5 की पावर 3। सभी पे 3 पावर है, एक साथ मिलाओ, 3 × 3 × 5, ये लिखो 91125, इन तीनों का मल्टीप्लाई 45 और ये पावर 3। अब बेटा इसे दोबारा लिख लेते हैं 91125, 45 की पावर 3। जब बच्चों एक तरफ से पावर हटाई जाती है तो दूसरी तरफ वही पावर 1 अपॉन हो जाती है इस तरह से। अब बेटा इस पावर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या बताता है, इस नंबर का क्यूब रूट 45 है। इस तरह से बच्चों आज आपने दिए हुए नंबर का क्यूब रूट निकालना सीखा। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।